बस बना दिया। दूसरी वजह शादियों के लेट होने की, वो क्या मानूं आपको, वो भी तालीम से रिलेटेड है लेकिन सेकेंड रीजन है। शादी तो करना है, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन लड़की भी उतनी एजुकेटेड होना जितना मैं एजुकेटेड हूँ, लड़का भी उतना एजुकेटेड होना जितनी मैं हूँ, मतलब तालीम में बराबरी। दूसरा रीजन है शादियों के देर से होने में। लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया 20 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन 23 ईयर्स, 23 साल की हो गई। अब आप लड़का ढूंढ रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं मेरे को लड़का भी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, अब मिल नहीं रहा। ये बड़ी अफसोस की बात है। उम्मत मुस्लिमा में 1% नौजवान पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अतबार से 1% मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएशन करते हैं। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है, अब ग्रेजुएशन में मसला है हमारे पास, 1% मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएट करते हैं, अब पोस्ट ग्रेजुएट लड़की को ग्रेजुएट कभी नहीं मिलेगा मुश्किल से। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, लड़की को बराबर मैच चाहिए, मैच, एजुकेशनल मैच, ग्रेजुएट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, या एटलीस्ट बच्ची ग्रेजुएट तो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट, बच्ची पोस्ट ग्रेजुएट तो बच्चा डॉक्टरेट, बच्ची डॉक्टरेट तो बच्चा पोस्ट डॉक्टरेट, और बच्ची पोस्ट डॉक्टरेट डबल पीएचडी तो बच्चा डबल डॉक्टरेट। अब रीजन कंडीशन देखिए आप, क्यों तो बोले लड़की उम्र में कम होना, हाइट में कम होना, तो वैसे डिग्री में भी कम होना वो लड़के से। अब ये ग्रेजुएट इसको मिल रहा नहीं पोस्ट ग्रेजुएट, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर वाला भी नहीं मिल रहा डॉक्टरेट, एमफिल भी नहीं मिल रहा, अब क्या करना, बराबरी भी नहीं मिल रहा। चलो इंतजार करते, 1 साल गुजर गया, उम्र 24 होगी, 1 साल गुजर गया उम्र 25, क्या जरूरी है तालीमी काबिलियत एक होना। एक छोटा सा वाकया सुनूंगा। एक मरतबा एक खातून थी जो डॉक्टर थी, मेडिकल डॉक्टर। वो खातून की उम्र गुजर गई और उम्र हो गई उस खातून की तकरीबन 35 साल के करीब, चूंकि डॉक्टर लड़का नहीं मिला मुस्लिम समाज में। हुआ यूं कि एक मरतबा एक उनके दोस्त के वालिद के दोस्त थे, बड़े अच्छे दीनदार इंसान थे, वो उस बच्ची के पास गए इलाज के लिए। तो वो उनके दोस्त भी मिल गए, क्या क्या कैसे हुआ ना, बस बीमार था, आया बच्ची को, बच्ची का निकाह क्यों हुआ, तो बोले कोई मैच नहीं मिला, कैसा चाहिए, तो बोले जब तो इंतजार करते रहे कि बराबरी वाला मिले, नहीं मिला, ग्रेजुएट भी नहीं मिला, मतलब ये तो डॉक्टर थे, फिर अब तो कोई भी चल जाएंगे। तो कहा कैसा लड़का चाहिए, अब कैसा चाहिए, चलो वो जमाना गुजर गया, 35 साल वाला जमाना है, तो बोले लड़की को समझने वाला, लेकर चलने वाला, अच्छा इंसान। तो कहा अब तो कोई कंडीशन नहीं ना, कोई नहीं है, वो जहां बैठे थे वो देख जानते थे कि वहां एक आदमी कंपाउंडर था वहां उस दवाखाने में, बहुत अमानतदार दीनदार इंसान, और 10-12 साल से जब से लड़की ने दवाखाना शुरू किया वहीं काम करता था। तो उस समझदार इंसान ने कहा, वो बाहर एक लड़का बैठा हुआ है कंपाउंडर, तुमको क्या लगता है कभी उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत की, तुम तो गैर शादीशुदा हो और बड़ी जवान थी जब से काम करता है। तो कहा नहीं, कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। अच्छा, इज्जत देता है तुम्हें? तो कहा बहुत रिस्पेक्ट करता है वो, तो मैडम 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 करते रहता। कहा नजर कैसी? तो कहा नजर का बहुत अच्छा लड़का, इसलिए तो आज तक बच्ची उसके पास रही, अकेले आती थी खोलती थी। कहा सब कुछ अच्छा है? देखने दिखाने में कैसा? कहा अच्छा है। कहा शादीशुदा है? तो कहा नहीं। तो कहा इससे अच्छा कौन मिलेंगे जो 10 साल से दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होती? तो कहा हाँ, बड़ा अमेजिंग, सही बात है, और निकाह कर दिएगा दोनों का, क्या जरूरी थी? लेकिन ये सबक कब मिला? जिंदगी गुजरने के बाद। एक 35 के बाद कौन करेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है एजुकेशनल मैच हो, लड़का कम भी हो सकता है, लड़की ज्यादा भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, अल्लाह के पास फर्क पड़ेगा, जिसकी डिग्री बड़ी थी जन्नत में पहले चल जाएंगे, तो अब रुकना पड़ेगा ना दूसरे को, कुछ है ऐसा, कुछ है ऐसा? यानी दुनिया में बोले कि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है, शौहर एजुकेटेड नहीं है तो बाहर कर दे गाड़ी से, चलो बाहर निकलो, हमारे शौहर पढ़े लिखे नहीं है, पीछे के डब्बे में बैठ के आओ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमारा मसला क्या है, लोग क्या कहेंगे जब बच्ची बोलेंगी कि हमारे शौहर हमसे कम पढ़े लिखे है? अरे लोगों का तो मामला ये है, ये कभी भी मुंह नहीं बंद रखेंगे, उनके चक्कर में अपनी जवानियां, अपनी बच्चियों की जवानियां, अपने बच्चों की जवानियां क्यों बर्बाद कर रहे, क्यों शादी लेट कर रहे? जरूरी नहीं एजुकेशनल मैच, ठीक है, ये दूसरी वजह थी। अब अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।